नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का फिर से हमारे YouTube चैनल DK सनी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों टाइटल से आपको समझ में आ गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने जा रहे हैं PTT 2 ईयर्स कोर्स, जिसमें अपवर्ड मूवमेंट का फॉर्म जिन जिन विद्यार्थियों ने लगा दिया है, क्योंकि कल 13 तारीख इसकी लास्ट डेट थी। अब इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो कब आएगा, मैं ये भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और सेकंड लिस्ट कब आएगी ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को सेकंड लिस्ट का इंतजार है। क्योंकि प्रथम काउंसलिंग के अंदर जो फर्स्ट लिस्ट अलॉट हुई थी, उसमें बहुत से विद्यार्थियों का जो नंबर है वो नहीं आया है, अर्थात उनको कॉलेज अलॉट नहीं हुई है। तो दोस्तों सेकंड लिस्ट का सबको बेसब्री से इंतजार है, तो मैं बताऊंगा कि सेकंड लिस्ट कब तक आएगी। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल या वीडियो पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मैं लेकर चलता हूँ आपको PTT की मेन वेबसाइट पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से ये PTT की मेन वेबसाइट है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है www.pttdcb2020.com, ये इसकी ऑफिशियली वेबसाइट है। तो मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर क्लिक एयर फॉर बीएड 2 ईयर्स कोर्स। तो यहाँ पर नीचे देखो तो यहाँ पर ये शेड्यूल दिया गया है, इस शेड्यूल को ध्यानपूर्वक से आपको देखना है, सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। देखिए हम बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की, जिसमें जो मैंने आपको बताया था कि अपवर्ड मूवमेंट हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की डेट थी वो 13 तारीख थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं छठे नंबर का जो पॉइंट है, यहाँ देख सकते हैं 13 तारीख इसकी लास्ट डेट थी। अब इसका जो रिजल्ट आने वाला है इसको ध्यानपूर्वक देखना है आपको। सातवां जो पॉइंट है ये है अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात महाविद्यालय आवंटन, अर्थात कॉलेज अलॉटमेंट का जो रिजल्ट है वो आएगा 15 तारीख को। 15 दिसंबर को अपवर्ड मूवमेंट का जो रिजल्ट है वो आने वाला है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं साथ में ये और आएगा गैर आवंटित अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आवंटन की सूचना। तो यहाँ पर गैर आवंटित अभ्यर्थियों का मतलब है जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुई, तो सेकेंड लिस्ट का पता भी आपको 15 दिसंबर को ही चलने वाला है। यहाँ पर ऐसा भी कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि सेकंड लिस्ट का पता 15 तारीख को नहीं पड़ेगा तो आपको, यहाँ पर देख सकते हैं 8वां नंबर का पॉइंट है, जब अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग, जो कि ऑनलाइन माध्यम से होगी, अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट में जो रिजल्ट आएगा उसमें जिन जिन विद्यार्थियों को कॉलेज मिल जाएगी तो उनका रिपोर्टिंग कराने का टाइम है 18 तारीख लास्ट डेट। तो 18 तारीख को जैसे इनका काम फ्री हो जाएगा उसके बाद में सेकेंड लिस्ट का काम शुरू होगा, क्योंकि बहुत सारे जो पद हैं वो खाली हैं। तो दोस्तों सेकेंड लिस्ट की जब भी सूचना आएगी, यहाँ पर 2 तारीख डिसाइड हुई है, या तो 15 तारीख को पता चल जाएगा या फिर 18 तारीख बाद में आपको पता चलेगा। तो जैसे ही सेकेंड लिस्ट निकलेगी, कब जारी होगी, कब से सेकेंड काउंसलिंग के जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे, तो पूरी डिटेल्स दोस्तों आगे की वीडियो में आपको मिलेगी। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल से जरूर जुड़े। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई भी मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।